आने वाली हूँ मैं बहुत सारे नए लोगों से और आपका शेयर करूंगी बहुत सारी ब्यूटी टिप जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने वाली हूँ जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, बट पैसों की वजह से कर नहीं पा रहे हैं, तो आप जानते हैं मैं एज अ सोशल वर्कर काम करती हूँ, तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ ऐसा है कि जिससे लोगों की हेल्प हो जाए, तो डेफिनेटली मैं हमेशा करती हूँ। तो चलो देख लेते हैं क्या है। अरे बोला था ना बहुत सारे लोग से मिलवा रहे हैं, तो वन बाय वन सबसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी। क्लासेस चल रही है, ऑलरेडी चल रही है, तो चलो जब तक थोड़ा सा देख लो आप। मेरे को 32 साल हो गए हैं, 32 साल का एक्सपीरियंस है, पूछ लो जो पूछना है। नहीं बनना चाहिए था। मैं जेसिका, मेकअप आर्टिस्ट, फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। पहले सलून था बट बेबी मेरा छोटा है तो मुझे बंद करना पड़ गया। फ्रीलांसिंग कर रही हूँ बटेरी एनसीआर में। बाकी मेरा वर्क तो ये बता देंगे। हाँ, वो तो मैंने बता रखा है, नीड ही नहीं है। आप देख, मतलब आपने देखा था और बहुत पसंद भी किया था। कुछ नया कराया बालों में, देख लो। मैंने एक्सटेंशन कराई है, बताइए कैसी लग रही है। मतलब ये क्या है, मतलब ट्रेंड क्या है? मेरा ना हेयर फॉल बड़ा इस बार, पता है क्या हुआ? सारी प्रॉब्लम इसी बार हुई है। मेरे साथ भी यही हो रहा था, मेरा बहुत हेयर फॉल हो रहा था और ग्रोथ मेरी हो नहीं रही थी। तो ये क्या, ये अलग से ऐड कराया क्या है? ये परमानेंट एक्सटेंशन है। एक्चुअल में क्या होता है ना, अब जैसे आप एक्सपर्ट हो, जानते हो, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल न्यू है, बिगनर है, उनको नहीं पता कि एक्सटेंशन क्या है। तो बिल्कुल मैं चाहती हूँ ना, बिल्कुल इजी एंड सिंपलेस्ट वे में आप जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब लाइक अलग से हेयर आपने ऐड कराया। मैंने अलग से ऐड कराया, मुझे 2 आवर्स लगे हैं। ये इतने लंबे, ये मेरे नेचुरल हेयर है। खड़े दिखाओ, ये मेरे रियल हेयर्स हैं और ये मेरी एक्सटेंशन है। ये परमानेंट मैंने कराई है, छोटी छोटी क्लिपिंग होती है। मतलब एक सेकंड मतलब मुझे इंटरेस्ट है। ये है इनके इतने लेंथ, हाँ, जैसे मेरे ये है और मैं इसमें ऐड करा लूँ। सच्ची में मतलब मजा आ रहा है सुनने में। मैं तो सोच रही हूँ कि अभी करा ही लूँ, मेरे तो बालों के बैंड बच्चे गए। सच्ची में नहीं करा लो, बहुत अच्छा है। उसने मुझे 3 आवर्स मतलब 3 इयर्स के लिए बोला है, 3 इयर्स तक मेरे बाल ऐसे ही रहेंगे। बाकी रिफिलिंग वगैरह जो जब मेरे को लगेगा मेरी बीच नीचे आ रही है तो उसको रिफिल कर देंगे दोबारा से ना। ओके, मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं है? कोई नहीं, कोई नहीं, बहुत इजी है, बहुत अच्छा। एक बार कॉस्ट भी बता दो, थोड़ा सा आइडिया दे दो, आइडिया दे दो। ये मैंने और मेरी फ्रेंड ने, हमने 48,000 में दोनों ने कराई। मतलब अमाउंट भी अच्छी खासी है, देख लो। 24,000 में खाली मैंने एक्सटेंशन कराई है और अभी मुझे स्मूथनिंग करानी है, जिसमें 6,000 में, 30,000 में मेरे को कंप्लीट पड़ाई है। लंबे वाले बात, मतलब आपको वेट नहीं करना है, वेट नहीं करना है कि 6 महीने 4 महीने ये लगाओ वो लगाओ। बस अवश्य बस बस इतना तो निकाल ही होगा, प्लस मनी भी चाहिए अच्छी खासी, वो तो चलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नंबर मैं यहाँ पर डाल दूंगी, या फिर मैं जेसिका का नंबर यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज बहुत ही अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं और मेरी आंटी जो हमेशा हम सब लोगों को प्रमोट करती हैं, बढ़ाती हैं। और जेसिका भी आंटी के साथ, मैं बहुत छोटी थी जब से आंटी के आती हूँ, आंटी ने मुझे ये लाइन दिखाई कि तुझे मेकअप आर्टिस्ट लाइन में जाना है तो ऐसे करो। तो मतलब आप भी न्यू हो ना और आंटी से आपको कोई भी हेल्प चाहिए, तो मतलब ये एक ऐसी जगह है जहाँ आंटी ने बहुत सारे लोगों को काम सिखाया है। और जैसे कुछ लोग होती है ना, वर्किंग हैं और हाउस वाइफ हैं, उनको कहीं ना कहीं मैं समझ सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम की, करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं ना। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं आंटी का यहाँ पर नंबर दे दूंगी, बहुत बहुत अच्छी है और मैं दिल से उनकी रेस्पेक्ट करती हूँ। तो डेफिनेटली आंटी दे दूँ आपका नंबर, आप कोई भी सीखना चाहते हैं या कोई मनी प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी, तो आंटी फ्री में भी सिखाती है। अच्छा, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, मेरे कुछ ऐसा होता है जो गरीब है, सक्षम नहीं है मेकअप कराने में, ठीक है, तो मैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट मेकअप करती हूँ। देखो मेरी टीम के बंदे हैं तो वो जानते हैं, मैं शिवशर्मा करती हूँ, मतलब दिल बड़ा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अंबिका से कर सकते हैं। आप जानते हैं वैसे ये बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट है और किस किस का मेकअप किया एक बार बता दो। मैंने शिल्पा शेट्टी का मेकअप किया है और मैंने इनका प्यारी क्यूट सी अंजू सिंह का किया है।
किया है मैंने और सनी लियोन का कर चुकी हूँ। तो बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनका मैम कर चुकी है, लेकिन आप दिल देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर नो आप सीखना चाहते हैं, आपके पास मनी नहीं, तो डेफिनेटली आप जेसिका से या आंटी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हाँ, बाकी मेरी मेल आईडी तो आपके पास है, बाकी नंबर दे दूँ मैं, तो आप नंबर ले सकते हैं। बिकॉज मैं हमेशा बोलती हूँ अच्छे काम करूँगा, तो ऐसा नहीं कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं, अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं और उनकी वजह से ये दुनिया है। और देखो एक हाथ यहाँ पे खड़ा हुआ है, अब बताइए बताइए खुद के बताइए। सोशल वर्कर में बहुत ज्यादा वाओ, दैट्स ग्रेट, मुझे लगता है कि करना चाहिए और मैं अगर किसी को मोदी केयर के प्रोडक्ट्स चाहिए मैं उनको फ्री सैंपल्स भी मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। वाओ, तो फ्रेंड्स अगर जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे आप यू नो आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आप खुद का कुछ करना चाहते हैं, तो आप मैम से अटैच कर सकते हैं नंबर, आप नंबर तो यहाँ पे आप नंबर बोल दो एक बार अपने। मेरा नंबर है 7011732760। एक बार थोड़ा दे दे 7011732760। और मैं अपनी टीम को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट भी करती हूँ। मेरी छोटी सी टीम है मोदी केयर में ही जिनका ऑर्डर पूरा करने के लिए मैं अपनी तरफ से ऑर्डर डालती हूँ ताकि उनका एटलीस्ट बैंक बैलेंस तो बढ़ता रहे। तो फ्रेंड्स मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, जैसे कि आप हमेशा मुझे बोलते हो कुछ ऐसा प्लान बताओ, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी आप खुद का बहुत अच्छा सा मतलब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो बिना पैसे खर्च किए हुए। तो नंबर मैं सारे मेंशन कर दूंगी, जैसे का भी दे दूंगी, मैम ने अपना नंबर दे ही दिया और आंटी का भी दे दूंगी। अब मैं जिस रिगार्डिंग आई थी वही बातें कर रहा हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ क्योंकि 22 तारीख को इवेंट है ना और आप सारे लोग इन्वाइटेड हैं तो आना है। अगर आपको भी एक्सटेंशन करानी है, आपको अच्छी लगी कॉन्टेक्ट करना, कॉन्टेक्ट नंबर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लीजिए 9717093। तो फ्रेंड्स अभी काफी टाइम हो चुका है और अभी आधे लोग जा चुके हैं, आधे लोग आ चुके हैं बिकॉज मैं लेट हो गई थी, आपको बता चुकी हूँ। आप बताइए जैसे अब गर्मियां आ रही हैं तो एक बड़ा इशू रहता है वाटर प्रूफ मेकअप, यू नो स्वेटिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है, पसीने बहुत आते हैं, तो क्या किस तरह से मेकअप करें कि जो पसीना है वो यू नो मेकअप खराब ना हो? इसके लिए आपको एस्ट्रोजन लोशन को ना आइस क्यूब कर, या तो पहले नंबर पे आप आइस क्यूब कर लीजिए, एस्ट्रोजन लोशन लगाइए, एस्ट्रोजन लोशन को फ्रिज में रखिए, ओके उससे कम से कम 4 घंटे पसीना नहीं आता है। उसके बाद आपको बेस लगाए, वाटर प्रूफ बेस हर कंपनी का, क्या नाम बताया, रिपीट करना क्या नाम बताया इसका, अभी जो एस्ट्रोजन लोशन, एस्ट्रोजन लोशन आइस स्प्रे में करके फ्रीज कर लीजिए, आइस क्यूब बना के आइस क्यूब बना लीजिए और अच्छा हाँ पहले आप उसको अप्लाई कीजिए, तो मतलब 4 घंटे तक आपको मेकअप स्टे रहे। मेकअप स्टे अच्छा, एक चीज और है फ्रेंड्स, कभी भी ना आइस क्यूब को आप डायरेक्ट रब ना करिए, बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, आइस क्यूब लेते हैं वो रब करना शुरू कर देते, आपको वो नहीं करना, डायरेक्ट नहीं करना, हमेशा उसको कॉटन के कपड़े में यूज कर दो, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको हमेशा अवॉइड करते हैं, और पता है ये बहुत बड़ी गलती साबित होती है हमारी स्किन के लिए, तो स्किन केयर फॉलो करना है। लोग पता क्या करते हैं, कुछ भी देखते हैं वीडियोज में कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ ऐसे कुछ भी मत किया करो, स्किन नो रिस्की हो सकता है, तो ये भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, ले लीजिए कुछ टिप्स से भी बताइए। मैं भी ये बताना चाहूंगी कि हमेशा गर्मियों में तो वाटर प्रूफ मेकअप भी यूज करना चाहिए अगर आपको ज्यादा टाइम तक स्टे करना है। तो अभी यही है जैसे मैम ने आंटी ने बताया कि अब ये वाली चीजें नहीं मैं बताती, समथिंग समटाइम्स होता है कि नॉर्मल सब इंसान है, एक आम इंसान को लेकर चलो ये वाली सारी चीजें नहीं, लोशन नहीं है, तो उस केस में आप जो प्राइमर यूज करते हैं वो आप अच्छी कंपनी का वो यूज कीजिए, तो क्योंकि प्राइमर तो बेस के लिए टिकने के लिए बहुत ही जरूरी है, और उसके बाद लास्ट में जब मेकअप होने के बाद में आप मेकअप फिक्सर जरूर यूज कीजिए, मेकअप फिकर रहेगा। और अच्छा मेकअप फिक्सर जो है हमें मार्केट से लेना पड़ेगा या कुछ डी आई वाई सॉल्यूशन जो घर पे बना पाएंगे? नहीं आप घर पे भी बना सकते हैं, घर पे बना सकते, बताएंगे आप कैसे उसका सॉल्यूशन, आंटी ये दीदी बताएंगे। इसका जो है एलोवेरा जेल जो होता है, एलोवेरा जेल को आप टोनर में मिला लीजिए। अच्छा लाइक मीन आप इसको भी रोज वाटर ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आप एलोवेरा जेल मिला के उसको फ्रिज में रख दीजिए, और जितना वो ठंडा होता है उसी की जेलिंग की मेकअप करने से पहले आप उसको अप्लाई कीजिए, अप्लाई करने के बाद आप स्प्रे बॉटल में उसको कर ले, स्प्रे करने तो बस से मतलब सारे सॉल्यूशन हो जाए, यू नो आप हर तरह का हमारा जो हमारी जो ऑडियंस है बिल्कुल सब तरह के होते, हमें सब तरह का सॉल्यूशन है हमारी दीदी के पास मिलेगा, जो नहीं है सारे सॉल्यूशन है क्योंकि हम जानते हैं आपको अच्छे से किसकी क्या नीड है, हमारी गुरु सबके नीड है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि
समटाइम्स होता है ना कि सिंपल हाउस वाइफ है या सिंपल से लोग है जो नहीं कर पाते ये वाली चीजें अफोर्ड, तो सारे ऑप्शन है कि हमारे घूम रहे में खजाना आई इसको खजाना जरूरत ही नहीं आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की, सब कुछ है आपकी किचन में। गुलाब जल एलोवेरा जेल मिक्स करके और उसको जितना कोल्ड में करोगे स्प्रे बॉटल में रख लीजिए, हल्की सी उसको प्रेसिंग कीजिए, ब्लेंड करो स्किन के अंदर जो अंदर चला जाए एज ए प्राइमर। उसके बाद आप जो मर्जी बेस या जो मर्जी फाउंडेशन लगा लेना अच्छे से स्टे कर जाए, इसको बोलते हैं जेल बेस। तो ये थी कुछ ब्यूटी टिप्स प्राइमर। एंड मैम बात करें तो कोई ऐसा बीबी क्रीम है फेसी क्रीम जो बेस्ट है ऑल स्किन के लिए, ऑल स्किन से होती है? अच्छा बता रहे हैं, बताइए 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 बताइए। में है बीबी क्रीम है जो बहुत अच्छी है ऑल स्किन टाइप्स है, सीजन में यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकता है। नहीं नहीं तो मैं आपको डेमो दूंगी अगर मेरे पास प्रोडक्ट होता है तो, क्योंकि मैं अभी ऐसे उनको रेकमेंड नहीं कर सकती, अगर मैं यूज करती हूँ अगर अच्छा तो डेफिनेटली वो लोग आपसे कनेक्ट होंगे। देखिए मैंने इसके प्रोडक्ट रिव्यू नहीं किए हैं, अगर होता है तो कुछ प्रोडक्ट यूज करती हूँ देन आपके साथ उसका रिव्यू मैं शेयर करती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले कुछ प्रोडक्ट आए थे बट मुझे कुछ नॉलेज नहीं था, क्योंकि जब पर्सनली नहीं जानते तो मैं कोई भी प्रोडक्ट ऐसे नहीं लेती हूँ, लेकिन अभी मैं मैम को जानती हूँ और मैम जानती है हमारी आंटी को, तो डेफिनेटली मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, जैसे आप लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं तो मैं उनको यूज करती हूँ। और कितना टाइम कितने टाइम के बाद रिजल्ट मिलता है? प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, कुछ प्रोडक्ट इसके ऐसे हैं जो आपको 3-4 days में इफेक्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगर कुछ ऐसा है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ कोई बीबी क्रीम है या सीसी क्रीम है टोनर सब कुछ अवेलेबल है, तो ठीक है कुछ प्रोडक्ट का मैं आपको यूज करती हूँ और उसके बाद में अगर मुझे लगता है डेफिनेटली अगर वो वर्किंग है तो मैं आपका शेयर करूंगा, आपको रेकमेंड करूंगी, क्योंकि आपके साथ हमें शेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमारा और आपका रिश्ता भी आगे होता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आज का ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर जो आपको मिलता है ना बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई भी फेक नहीं है। एंड आप जानते हैं मैं हमेशा एक चीज़ में बिलीव करती हूँ, शेयर करना है तो राइट इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, प्यार और खुशियाँ बांटे, गलत चीज़ शेयर करना गलत बात है। मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, बी पॉजिटिव बी हैप्पी, टिल देन बाय बाय।